विच इज द फॉलोइंग पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो नेटलिटी मतलब बर्थ रेट और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या बोलेंगे, इन एंट्री, इन आई से इमाइग्रेशन, आई से इन। तो इमाइग्रेशन में आ रहे हैं बढ़ा रहे हैं, नेटलिटी में आ रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, नेटलिटी एंड इमाइग्रेशन। ओके सेलेक्ट द करेक्ट मैच। टेप रूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो टेप रूट देखने जल्दी मिलता है डाइकॉट्स में, तो हमारे पास मस्टर्ड देखने को मिलेगा, मेज में, वीट में, शुगर कैन, तो मोनोकॉट है, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा, है ना। तो फाइब्रस रूट देखने को मिलता है जनरली किसमें, मोनोकॉट्स में, किसमें, मोनोकॉट और ग्रासेस, ठीक है। ओके तो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपने पास यहाँ पे जो फाइब्रस रूट है वो मेज में, वीट में, शुगर कैन में, तो टू का वन थ्री फोर, वन का टेप रूट जो होता है वो मस्टर्ड देखने को मिलेगा। विच द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक हमको बताना है। चलो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसल फ्लावर आर ओल्डर वाइल एपिकल फ्लावर यंगर। हमने बेसिक पिटल आए कि एक्रोपिटल आए, जो भी नाम आए उसमें सबसे पहले यंगर एट द, ठीक है ना, हमेशा यंगर के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। यंगर एट द एपेक्स तो उसको एक्रोपिटल बोलेंगे, यंगर एट द बेस तो उसको बेसिपिटल बोलेंगे, यंगर के रेस्पेक्ट में। तो फ्लावर बेसल फ्लावर ओल्डर वाइल्ड एक्रोपिकल फ्लावर आर यंगर, ये सही, अपने पास एक्रोपिटल और यही होता है, यंगर एट द एपेक्स। फ्लावर ओपन फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, ये भी सही है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, एन ओवर फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। फ्लोरलैक्सिस सो कंटिन्यूस ग्रोथ, जो फ्लोरलैक्सिस होती है वो क्या शो करती है, कंटिन्यूस ग्रोथ शो करती है, फ्लोरलैक्सिस शो कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे जो अरेंज होते हैं फ्लावर किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में, अपेक्स में होगा कौन सा, अपेक्स में होगा कौन, यंगर फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है, ठीक है। ओके तीनों सही है अपने पास, तो करेक्ट पूछा है, 1, 2, 3 इज करेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ लेटरल रूट ऑन टेप रूट, है ना, लेटरल रूट का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, सबसे छोटे छोटे यहाँ पे, फिर बड़े 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 बड़े, तो एपेक्स में क्या होगा, यंगर, तो ये होगा एक्रोपिटल ऑर्डर में, ये रहा एक्रोपिटल। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरलैक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरलैक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरलैक्सिस में फ्लावर का अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। और अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें, ओव्यूल में, है ना, ओव्यूल में किसका, ओव्यूल में, सॉरी ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन, ठीक है। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर क्या क्या लाएगा, प्लासेंटेशन। और लीफ की बात कर लें, तो लीफ की बात करें तो हमारे पास फाइटोटैक्सी, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, किसका अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट किसमें, स्टेम और ब्रांच में, क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम एंड लीफ टेंडल। स्टेम टेंडल कहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्टेम टेंडल देखने को मिलेंगे हमारे पास कुकुरबिटा में, कुकुरबिटर में, ठीक हो। स्टेम टेंडल, स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करें, स्टेम की मॉडिफिकेशन, अगर स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना, तो स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, स्टेम जो है टेंडल में, दैट इज स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखती है, देखो सेंडल स्पाइरली कॉइल्ड हेल्प क्लाइंब, है ना, तो ये गोड्स में, गोड्स मतलब कुकू वाटर पंपकर, है ना, कुकुम्बर वाटर वाटरमेलन एंड पंपकिन, तो इसमें स्पाइरली कॉइल्ड मतलब ये सिर्फ क्या बोले, टेंडल्स की बात करें, स्टेम टेंडल्स, ठीक है ना, जो कि एक्सिलरी बस डेवलप होते हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में, मतलब गोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम टेंडल कुकुम्बर में, और लीफ टेंडल की अगर हम बात करें तो लीफ टेंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा, लीफ टेंडल, ये रहा टेंडल हमारे पास, लीफ टेंडल जो है कहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करें, टेंडल जो कि लीफ टेंडल है वो पी में देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, पी में। ओके ईच टॉपिक लेवल अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज, है ना, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग बोला तो हमने बोला स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, अगर नॉन लिविंग मतलब न्यूट्रिएंट की बात किया तो हमने बोला वो क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने बोला ईच टॉपिक लेवल सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। ओके तो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, है ना, अगर डेट्राइटस को उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करें तो क्या कहेंगे, इसको फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, डेट्राइटिवोर्स करते हैं, जिसमें अर्थवर्म आता है एग्जांपल, ठीक है ना। तो पहला है लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, टूटना ब्रेक डाउन बोलेंगे स्मॉल पार्टिकल में डेट्राइटस का, तो फ्रेगमेंटेशन, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म, अगर एंजाइम्स बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स उसको क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको डिग्रेड कर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैटाबोलिज्म बोलेंगे।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले कौन देखने को मिलेगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले जो स्पीसीज आती है, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बियर रैंड इज कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी, सबसे पहले आई पाइनियर कम्युनिटी, और बाद में आई तो क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बाद में आई तो क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बाद में आई तो क्लाइमैक्स बोल तो सबसे लास्ट में, ठीक है, उसके बीच में ट्रांजिशन। तो पाइनियर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन, तो जैसे ट्रांजिशन मैटर होता है ना बीच में प्रेडिक्टेबल की, इसीलिए ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, रॉबर्ट कॉन्स्टेंटाइन एंड कलीग है पुट अ प्राइस टैग ऑफ यूएस डॉलर, कितना यूएस डॉलर? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर ईयर ऑन इकोलॉजिकल सर्विसेज, जो इकोलॉजिक जो सर्विस सॉरी जो अपने पास इकोसिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इकोलॉजिकल सर्विस नहीं इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, तो इकोसिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो बहुत ही खर्चीली है। कैसी है? बहुत ही खर्चीली है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था? प्राइस टैग डाला था कितना? यूएस 33 ट्रिलियन डॉलर का पर ईयर इकोसिस्टम सर्विसेज पे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 50% जो है ना वो सॉइल फॉर्मेशन में जाता है, 50% जो कॉस्ट है ना वो किस में आता है? सॉइल फॉर्मेशन में। सॉइल फॉर्मेशन में 50%, सॉइल फॉर्मेशन में कितना? 50%, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल फॉर्मेशन में 50%, मतलब मिट्टी एक बार चली जाए तो वापस आने में बहुत खर्चा लगता है, तो मिट्टी बनाने में 50% पैसा खर्चा होता है इकोसिस्टम का। अच्छा, द मेल थैलस ऑफ ब्रायोफाइट इज गिवन इन द डायग्राम बिलो, द मेल थैलस ऑफ द ब्रायोफाइट इज गिवन इन द डायग्राम बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, इसमें इनकरेक्ट रिगुलेशन, ठीक है ना, इनकरेक्ट। द मेल थैलस ऑफ द ब्रायोफाइट इज गिवन इन द डायग्राम बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो यहाँ पे हो गया N3DO4, ये हो गया N3DO4, ये क्या होगा? N3DO4, और ये रहा फूल की तरह, मेल होता है फूल की तरह, फीमेल होती है फुलझड़ी की तरह, ठीक है ना, तो ये रहा Archegonia 4, फीमेल होती है फुलझड़ी की तरह, तो ऐसे याद रख लेते हैं, हमने बोला ये रहा फूल, फूल की जैसे दिख रहा है ना, ये से फुलझड़ी की तरह, फीमेल होती है फुलझड़ी की तरह, ऐसे याद रख लेते हैं, बिल्कुल। तो अपने पास ये क्या है? मेल थैलस है, याद रखना किसका है? मार्केंसिया का, इंपॉर्टेंट है ये, मार्केंसिया का ये मेल थैलस है, मार्केंसिया का ये है ना, मार्केंसिया का ये क्या है? मेल थैलस है, ठीक है। ओके, तो हमको पूछा है इसमें से बताओ इनकट बताना है, इनकट बताना है, इनकट बताना है, हमने को इनकट बताना है। गैमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट फेज, यस सही है। जेमा का पार्टिसिपेट इन नेसेसरी रिप्रोडक्शन, सही बात है। ओके, द गिवन ब्रायोफाइट इज इकोसिस्टम, नहीं नहीं, जो गिवन फाइट है वो मार्केंसिया है, जो गिवन ब्रायोफाइट है वो क्या है? मार्केंसिया, मार्केंसिया। ओके, तो ये गलत हो गया अपने पास, है ना। इट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास ये हो गया नेक्स्ट। Which of the following is correct with respect to the plantae? Plantae के लिए सही बताना है अपने को। In plant Antheridia, that is the male reproductive structure, okay? Sex organ in bryophyte are multicellular, सही बात है। और Antheridia जो होते हैं ना वो male sex organ होते हैं, Antheridia जो होते हैं वो male sex organ होते हैं, और Archegonia are the female sex organ, Archegonia are the female sex organ and male sex organ है Antheridia। तो अपने पास ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल। इन मेल एंथ्रीडिया, ओके, इन प्लांट एंथ्रीडिया द फीमेल सेक्स ऑर्गन, गलत बोल रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये हमारे पास एंथ्रीडिया नहीं होता, ठीक है। ओके, ईच एलगी ऑल प्लांट है ना, एक्सेप्ट एलगी ऑल प्लांट बियर एम्ब्रियो, ये भी सही है। एम्ब्रियो के है ना, एलगी के अलावा सारे में क्या होगा? बिल्कुल, एक्सेप्ट एलगी ऑल प्लांट बियर एम्ब्रियो, मतलब हमने बोला अगर एलगी के अलावा सब में क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। तो हमने बोला देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में, एलगी में क्यों नहीं बन रहा है एम्ब्रियो? एलगी में इसलिए एम्ब्रियो नहीं बन रहा है कि जैसे ही एम्ब्रियो बना, जैसे ही जायगोट बना, तुरंत म्यूटिक डिवीजन हो गया, और वहाँ पे जो जो हैप्लोइड स्टेज है, सॉरी डिप्लोइड स्टेज, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, तो एम्ब्रियो बनने का समय ही नहीं मिला यहाँ पे, है ना, इतना तेजी से क्या हो गया? म्यूटिक डिवीजन हो गया जायगोट में। तो यहाँ पे क्या होता है, एलगी में नहीं बनता क्या? जायगोट, सॉरी एम्ब्रियो नहीं बनता, किसमें? एलगी में। ओके, तो हमने बोला ऑल प्लांट आर हेटरोस्पोरस, नहीं नहीं नहीं, सम प्लांट आर हेटरोस्पोरस, जैसे कि हमने बोला मास, यहाँ पे एग्जांपल बात कर लें मास, मास बोले तो मार्सिलिया अजोला एंड सिलेजिनेला साल्विया, है ना, ऐसा है, मार्सिलिया अजोला सिलेजिनेला एंड साल्विया, दीज आर हेटरोस्पोरस, है ना, इसके अलावा तो जिम्नोस्पोरस एंजियोस्पर्म सारे के सारे हेटरोस्पोरस, ये तो ऐसे ट्रेडोफाइट के मेंबर हैं जो कि हेटरोस्पोरस, जो कि एंसाइटिक, जिसके बारे में बात करती है। तो हमने बोला 1, 2, है ना, तो यहाँ पे पूछा क्या है? करेक्ट पूछा, तो करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, हमसे पूछा गया है,
इन द डायग्राम बताता है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे दिया। इन द डायग्राम अ न्यूक्लियोसोम इज गिवन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है, अपने पास डीएनए है, ए क्या है अपने पास डीएनए है, ए क्या है अपने पास डीएनए है, बी क्या है, बी क्या है अपने पास एच वन हिस्टोन या फिर लिंकर बोले, एच वन हिस्टोन या फिर लिंकर बोले। कुछ लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे, एच वन मिला लेंगे और हिस्टोन टेट्रामर नहीं होगा, है ना। डी और बी की बात कर रहा हूँ मैं, लिंकर डीएनए, लिंकर हिस्टोन या फिर एच वन हिस्टोन उसी को बोलते हैं, दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम एक ही है, बिल्कुल। तो बी और डी में कुछ कन्फ्यूज रहेंगे कुछ लोग, ठीक है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना। सी और डी की, सी और डी की बात, बी और डी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सी स्टेटमेंट है, सी जो है ना, सी क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, टेट्रामर नहीं है, हिस्टोन ऑक्टामर, एनसीईआरटी ने बोला। देखो यहाँ पे क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, तो ये सही है। चलो द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट अकर एट, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में जो जीन एक्सप्रेशन होता है, यूकैरियोट में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इस लेवल पे हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है जीन रेगुलेशन, किस पे, यूकैरियोट में, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट में तो क्या है, सिर्फ जगह है, ठीक है, तो दे सब सब हो, सब जगह हो सकता है यूकैरियोट में, क्या ना, बिल्कुल, क्या रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन, ओके। ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द मेसल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट N15 वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाई N14 बाई N15 और N14 कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, देखो यहाँ पे N15 जो है वो रेडिएटिव आइसोटोप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन से, मतलब एक भारी होगा एक हल्का होगा, उसी से दोनों को डिस्टिंग्विश सेपरेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफिकेशन इन CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो विच द फॉलोइंग इज करेक्टली रिलेटेड टू द एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, देखो मेसल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, 20 मिनट में रेप्लिकेट कराता है कौन, ई शेरिशिया कोलाई और ई कोलाई, ठीक है, ओके। हमने बोला बता दे रहा, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली रिलेटेड विद एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन एक्ट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, ऑक्सीजन जो होता है लास्ट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जैसे हमने बोला है, देखो एनसीईआरटी ने बोला है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, यस, साइटोक्रोम सी टूवर्ड इनर साइड, नहीं, साइटोक्रोम जो सी है वो टूवर्ड आउटर साइड है, साइटोक्रोम सी जो है वो कहाँ है, आउटर साइड, साइटोक्रोम सी इज आउटर साइड, है ना, साइटोक्रोम सी कहाँ पे है, आउटर साइड में है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, ओके, तो साइटोक्रोम सी जो है वो हमारे पास आउटसाइड है, देखो बाहर की तरफ है साइटोक्रोम सी, मतलब थोड़ा ना मैट्रिक्स की तरफ नहीं है वो, इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP, नो, एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो तीन ATP हमसे हमको मिलता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, यस, ये देखो अभी भी मतलब द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, तो ये अपने पास सही हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट, ठीक है ना, फोर्थ स्टेटमेंट अपने पास सही है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट हो गया, ओके। पायरेविक एसिड इज द इनिशियल सब्सटेट फॉर लिंक रिएक्शन, देखो लिंक रिएक्शन में जो सब्सटेट है वो क्या है, पायरेविक एसिड है। लिंक रिएक्शन जो होता है जिसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, जो कहाँ होता है, मैट्रिक्स अंदर होता है, जिसमें क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनता है किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, पायरेविक डिहाइड्रोजिनेस, ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस, इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बताओ गलत क्या है, ओके तो यहाँ पे हमने बोला देखो इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेटमेंट अपने पास गलत बोले, देखो एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर हमने लाइट को इंक्रीज किया बियॉन्ड लिमिट, है ना, लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, एक ज़्यादा लाइट को दे दिया प्लांट को तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज बोले तो गलत बोल रहा है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही बात है, हमने एनसीईआरटी डाटा देख लिया तो अब दोनों सही होना ही है, सही होना ही है, बिल्कुल। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसेंट्रेशन बाय सोइंग, सी4 प्लांट नहीं, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसेंट्रेशन बाय सोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज टोमेटो एंड पेपर, जैसे कि क्योंकि जो करंट अमाउंट ऑफ जो CO2 है ना वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए, दैट्स वाई अगर हमने ग्रीन हाउस पे टमाटर को उगाया तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी। शिमला मिर्च को कहाँ उगाया अगर हमने बोला तो उसको उगाया हमने कहाँ पे, इफ इट इज ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, शिमला मिर्च ज़्यादा ही उगेगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ग्राउंड में उगाएंगे उससे। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, सही बात है, सही बात है, नेक्स्ट
नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, ओके। तो हमसे पूछा गया है विच द फॉलोइंग ग्लैंड स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन इन पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब कॉकरोच की बात करनी, कॉकरोच में हमारे पास जो एक्सक्रीशन में काम आता है मालफिंजन टिब्यूल्स, और मालफिंजन टिब्यूल्स का जो नंबर है वो कितना है, 100 से लेकर 150, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 100 से लेकर 150 मालफिंजन टिब्यूल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, बिटवीन बिटवीन मिडगट एंड बिटवीन कोलन, कोलन और मिडगट के बीच में क्या पाए जाते हैं, मालफिंजन टिब्यूल जंक्शन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, 100 से 150। इन द C4 प्लांट द C4 कार्बन कंटेनिंग एसिड आर फॉर्मड इन, देखो C4 प्लांट में C4 कार्बन कंटेनिंग एसिड जो है वो कहाँ बनेगा, पहले कल कल का क्वेश्चन आया था कि म्यूजोफिल सेल में बनेगा कि किसमें बनेगा, बनेसिस में बनेगा, तो कल हमने देख लिया म्यूजोफिल बनता है, ये बताओ भाई C4 प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि मोनोकॉट्स, मोस्टली मोनोकॉट्स जो होते हैं वो C4 प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेज जो है एक मोनोकॉट है, मैं जो सर मैंने नहीं बोला हर, मोस्टली मोनोकॉट जो होते हैं वो C4 प्लांट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट, सॉरी मेज इज अ C4 प्लांट, तो यहाँ पे बंडल सेल में, सॉरी म्यूजोफिल सेल में क्या हो जाएगा, म्यूजोफिल सेल में अपने पास क्या हो जाएगा, इनिशियल CO2 फिक्सेशन हो जाएगा, C4 एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C4 एसिड जिसको मैलिक एसिड हम बोलते हैं, ओके ओके चलो चलो ठीक है, चलो हमने बोला इसकी बात करते हैं। द फिक्स नाइट्रोजन इज एक्सपोर्टेड इन सोयाबीन इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स, सोयाबीन में जो फिक्स नाइट्रोजन है वो यूरिड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। चलो स्टार्च कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट बिकॉज इट इज पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, नो, प्रेजेंट इन द स्टोरेज फॉर्म, येस स्टोरेज फॉर्म होता है इसलिए तो सुनी नहीं सकते, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज की फॉर्म में, दैट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव और कम रिएक्टिव होता है ये, ठीक है ना, स्टार्चियोज नहीं, पॉलीमर ऑफ सुक्रोज नहीं, तो ये स्टोरेज के लिए बनता है स्टार्च, इसलिए इसको क्या लेना, इसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, स्टार्च इज अ वेरिएंट बट प्रेजेंट इन द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, है ना, ओके, प्रेजेंट इन द एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना, और स्टार्च की इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्च जो होता है वो स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, उसमें कौन सा कलर देगा, स्टार्च आयोडीन टेस्ट देगा, उसमें ब्लू कलर देगा स्टार्च, ठीक है ना, ओके, तो उसके जो बीच है ना वहाँ पे हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ब्लू कलर दे देगा, ठीक है, चलो चलो कल भी बात किया था हमने फॉस्फोलिपिड की बात की थी ना, तो फॉस्फोलिपिड है लेसाइथिन इज अ, है ना, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ लेसाइथिन, इट इज अ फॉस्फोलिपिड, लेसाइथिन कहाँ काम आता है अपने पास, लिवर एल्वियोलाई में काम आता है, जो कि सर्फेक्टेंट के तौर पे काम आता है, जो कि क्या करता है सरफेस टेंशन को कम करता है अपने लंग्स पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेने समय, तो फॉस्फोलिपिड ही है लेसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस है ना, फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल मिल रहा है और फैटी एसिड मिल रहा है, इसलिए तो क्या हो गया लिपिड और फॉस्फोरस आ गया, तो फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है, तो ठीक है ना, बिल्कुल सही, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कार्टिलेज इज एब्सेंट, तो टिप ऑफ नोज, यस पाया था, कौन सा कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, ईयर पिन, यहाँ पे भी इलास्टिन कार्टिलेज बिटवीन क्रैनियल बोन्स, नहीं यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया था, यहाँ पे तो फाइब्रस जॉइंट पाए थे, जो कि कैसे होते हैं, यहाँ पे तो नो मूवमेंट वाले जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट पाए थे किसमें, सुचर्स में, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट बोन, तो वहाँ पे तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाए थे, एंड एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिकल कॉलम के बीच में, तो हमारे पास व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाया था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, और हार्डेस्ट होते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है, ओके नेक्स्ट, है ना, विन क्रिस्टिन क्रक्यूमिन बिलोंग टू द कैटेगरी, ये तो होते हैं ड्रग, है ना, तो विन क्रिस्टिन एंड क्रक्यूमिन आर अ ड्रग दैट आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल होता है, किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है किसका, है ना, ये देखो विन ब्लास्टिन एंड क्रक्यूमिन का, और एक क्वेश्चन आ गया 2019 की नीट पेपर में कि कौन कनावेलिन ए क्या होता है, एक लेक्टिन है, ये लेक्टिन है, ठीक है, ओके, दिस आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, तो विन ब्लास्टिन और कर्क्यूमिन प्लांट से ओपन करते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है, ड्रग है दे यार ड्रग, ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB का फुल फॉर्म यही है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके ओके ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए हमको क्या बताना है, सही स्टेटमेंट बताना है, सही बताओ जरा, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 200 स्ट्रेन, ओवर 200 स्ट्रेन, नहीं नहीं 230 एनसीडी लिखा है, 230 एनसीडी ने क्या लिखा है, 230 को लिख लेकर देखते हैं, देखते हैं कहाँ पे एनसीडी लिखा है, ये रहा एनसीडी ने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा लिखते हैं, ये देखो एनसीडी ने लिखा है हमारे पास, ये रहा यार एनसीडी जरा लिखती है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 फ्रॉम ओके ओवर 230 नॉट 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो पहला स्टेंट अपने पास गलत है, पहला स्टेंट अपने पास गलत है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एक्सो नहीं एंडोन्यूक्लियस, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंट टू, हिंट टू जो होता है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस नहीं है, तो गलत हो गया ये अपने पास,
ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नहीं नहीं डिफरेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हर का रिकॉग्नाइजेशन साइट अलग होता है ना, तो यहाँ पे ये तीनों गलत हो गए, कोई सा भी सही नहीं है, ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, कॉटन बॉल वॉर्म आर कंट्रोल बाय, कॉटन बॉल वॉर्म आर कंट्रोल बाय, कॉटन बॉल वॉर्म आर कंट्रोल बाय, देखो मैं यहाँ से याद आता हूँ, जैसे कॉर्न बोरर जो है ना, कॉर्न बोरर जो है ना, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर जो है वो छोटा सा नाम है, और कॉर्न बोरर देखो देखो क्राई वन, देखो तीन चीज़ें हमारे पास है, क्राई वन ए बी है, क्राई वन ए सी है, और क्राई टू ए बी है, ठीक है। तो क्राई वन ए बी जो सबसे पहले आया था वो छोटी चीज़ों के लिए कोड करता है, छोटी चीज़ों के लिए क्या करता है, हमने को बचाता है, प्रोटीन बनाता है छोटी चीज़ों के लिए, कॉर्न बोरर के लिए। बाकी के जो दो बाद में लंबे लंबे जो वर्ड्स हैं वो बड़ी चीज़ों के लिए, मतलब कॉटन बॉल वर्म लंबा लग रहा है ना, कॉर्न बोरर से लंबा लग रहा है ना, तो यहाँ पे ये किसके लिए बनाएंगे, कॉटन बॉल वर्म के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लंबा वर्ड है तो लंबा नाम जाएगा, क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी, ठीक है ना, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए। तो याद होने के लिए जरूरी है, याद कैसे करना है चीज़ों को ये पता होना चाहिए। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथोराइज फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक रिसर्च, ठीक है ना, तो जेनेटिक रिसर्च की वैलिडिटी के लिए हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, दैट इज जी ई ए सी, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जी ई ए सी जो होता है वो सेटअप किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी कमिटी, सॉरी। एमीबेसिस इज कस्ट बाय, एमीबेसिस कौन कस्ट करता है, एमीबेसिस कस्ट बाय प्रोटोजोअन, एमीबेसिस कौन कस्ट करता है, हिस्टोहिस्टम हिस्टो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, दैट इज अ प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन कस्ट करता है क्या, एमीबेसिस दैट इज एमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं दस्त। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का ये डिसीज है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, पैरासाइट होता है, तो ये हमारे पास प्रोटोजोअन हो गया, एमीबेसिस प्रोटोजोअन। ओके, ड्यूरिंग जीन थेरेपी जीन इज इंसर्टेड फॉर, जीन थेरेपी के समय जीन इंसर्ट करते हैं क्यों, जीन थेरेपी इज है ना, इफ़ अ पर्सन बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिसीज़, कोई इंसान अगर हेरिडिटरी डिसीज मतलब जेनेटिक डिसीज़ के साथ बॉर्न हुआ तो उसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी पहली बार है ना, पहली बार दिया गया था एडिनोसिन डीएमिनेस की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना, एक 4 ईयर की गर्ल जो सफल करी थी उस पर पहली बार क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जीन थेरेपी का ट्रायल नहीं बोल सकते, क्लिनिकल जीन थेरेपी दिया गया था 1990 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर एडिनोसिन डीएमिनेस की कमी हो जाएगी तो स्किड हो जाएगा, सीवियर कंबाइंड है ना इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं बिल्कुल, यहाँ बात कर लेते हैं। ट्रीटिंग स्पेशली हेरिडिटरी डिसीज, एक्सीडेंटल डिसीज नो, कम्युनिकेबल डिसीज नो, मोर देन वन क्रेट नहीं, यार ही सही है अपने पास। विच द फॉलोइंग सार्कोलेमा इज प्रेजेंट इन, विच द फॉलोइंग सार्कोलेमा, सार्कोलेमा कहाँ पाया था, सार्कोलेमा देखो, सार्कोलेमा पाया जाएगा मसल के अंदर, सार्कोलेमा जो है वो कहाँ पाया जाएगा, मसल के अंदर, एक्सोलेमा कहाँ पाया जाएगा, न्यूर नर्व के अंदर, एक्सोलेमा इज फाउंड इन द नर्व, और सार्कोलेमा पाया जाएगा मसल के अंदर, ठीक है, मसल फाइबर।
यहाँ पे शायद ये करेक्ट पूछना चाहते हैं, करेक्ट पूछना चाहते हैं ना। हाँ, विनक्रिस्टिन करक्यूमिन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, यार ये ड्रग ही है, ये ड्रग ही है, ये कोई अल्कलॉइड नहीं होती, ड्रग होते हैं, दे आर ड्रग ड्रग। हाँ देख लिया, चलो इसमें करेक्शन है, करेक्शन है।